सब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीवो वाई 12S मोबाइल में आप किस तरीके से स्मार्ट कॉल सेटिंग को कर सकते हो, यानी कि इसमें जो स्मार्ट कॉल का फीचर दिया गया है इसको आप कैसे यूज करोगे और इसके क्या क्या फीचर हैं और क्या क्या यूज है इसके, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी कॉल को स्मार्ट बना पाओगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कैसे आपको अपने स्मार्ट कॉल सेटिंग को करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। तो मैं अपने मोबाइल वीवो वाई 12S के सेटिंग में चले जाता हूं और जैसे मैं सेटिंग को ओपन करता हूं तो यहां पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। आपको भी सेटिंग को ओपन कर लेना है, तो यहां पर आपको नीचे जाना है थोड़ा, और नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिल रहा है तीसरे नंबर पर ऊपर से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास स्मार्ट कॉल का ऑप्शन तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तो आपको इस पर भी क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं स्मार्ट कॉल के, तो ऊपर वाला फीचर्स आप इसको इनेबल करो या ना करो कोई ज़्यादा खास फीचर नहीं है। इसके नीचे आपको स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके मोबाइल में कॉल आएगी और उसको आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक ही ये आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आपको स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको अगर आप इनेबल करते कर देते हो स्मार्ट स्विच को, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप हैंड्स फ्री पर बात कर रहे होते हो और अगर आप मोबाइल को कान के पास ले जाओगे तो क्या होगा कि कान वाले स्पीकर में जो है आवाज़ आने लग जाएगी, यानी कि कुछ आपको करना नहीं, डायरेक्ट ही वो ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। उसके नीचे आपको स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट म्यूट अगर आप इनेबल करते हो तो आपके फ़ोन में अगर कोई कॉल आता है और स्क्रीन को आप ढक देते हो तो ऑटोमेटिक ही वो जो है यहाँ पर म्यूट हो जाएगा। उसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है वेव टू हैंड्स फ्री, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कान से 2 या 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर मोबाइल को ले जाते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही जो ये है हैंड्स फ्री मोड पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में जो है स्मार्ट कॉल सेटिंग को कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो स्मार्ट कॉल सेटिंग को करके अपने जो है कॉल को स्मार्ट बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।